नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ईदगाहों और मस्जिदों में अदा हुई नमाज ईद, मनाई जा रही है ईद उल फितर। केवद में सामाजिक एकता का संदेश, हिंदू बांधवों ने दी मुस्लिम बांधवों को ईद की शुभकामनाएं। कामठी हादसे में वृद्ध व्यक्ति और उनके पोते की मृत्यु, मृतक की बेटी गंभीर जख्मी। अब खबरें विस्तार से। माहे रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद नगर में ईद उल फितर 3 मई को मनाई जा रही है। ईद के अवसर पर मंगलवार को सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक नगर के तमाम ईदगाहों, मस्जिदों और कुछ मैदानों में नमाज ईद अदा की गई। मोमिनपुरा की जामा मस्जिद, ईदगाह मोमिनपुरा, मस्जिद बकर कसाब, औलिया मस्जिद, मस्जिद हकीम अबू मियाँ, मस्जिद गरीब नवाज बोरियापुरा, नूरानी मस्जिद, मस्जिद अंसार नगर, यंग मुस्लिम फुटबॉल मैदान व क्षेत्र की अन्य मस्जिदों में नमाज ईद अदा की गई। कई मस्जिदों में नमाज ईद की दो जमात हुई। नमाज ईद के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। घरों में सेवी, शीर खुरमा और लजीज पकवानों का सिलसिला जारी है। छोटे बच्चे ईदी प्राप्त कर रहे हैं। नमाज ईद के बाद अधिकतर लोगों ने कब्रस्तानों में जाकर अपने परिवार के नहुमिन की कब्रों पर फतेहा भी पढ़ा। सोमवार की सुबह बर्डी मेन रोड और अभ्यंकर रोड उस समय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया जब सुधार प्रन्यास ने सड़क पर जबरन कब्जा जमाए 35 दुकानों पर बुलडोजर चला ध्वस्त कर दिया। अभ्यंकर मार्ग बूटी महल स्ट्रीट स्कीम में चौड़ाईकरण के अंतर्गत वेराइटी चौक से लेकर मुंजे चौक तक 24 मीटर की सड़क बनाई जानी है। वही एक हिस्से में बने ग्लोकल मॉल द्वारा 6 मीटर का फ्रंटेज छोड़ा गया। 30 मीटर की सड़क का दायरा होने के बावजूद लंबे समय से कुछ दुकानदारों ने कब्जा जमा कर रखा था। बर्डी मेन रोड पर भी कुछ दुकानदारों ने 20 फीट तक अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। अभ्यंकर मार्ग पर 18 दुकानों जबकि मेन रोड पर 17 दुकानों का कब्जा था। इन्हें हटाने के लिए प्रन्यास अधिकारी अविनाश भागड़े के नेतृत्व में टीमों को तैनात कर दिया गया। फिर दोनों रोड से 35 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण साफ कर दिया गया। अक्षय तृतीया के अवसर पर पुणे के दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में आम की सुंदर और आकर्षक रचना बनाकर बप्पा के चरणों में चढ़ाए गए। हर साल अक्षय तृतीया के अवसर पर पुणे के एक आम व्यापारी देसाई भाई आमवाले की ओर से दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में बप्पा को आम का प्रसाद दिखाया जाता है। इन आमों को रोगियों, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अपंगों और उदय ससुन के भक्तों को प्रसाद के रूप में कल वितरित किया जाएगा। आम की सजावट देखने के लिए आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस पल को अपने मोबाइल में सहेजने के लिए कई लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल किया। मैंगो फेस्टिवल के मौके पर सुबह 4 से 6 बजे तक मंदिर में प्रसिद्ध गायिका आशाताई खाडिलकर का स्वराभिषेक किया गया। इसके बाद सुबह 8 बजे से 12 बजे तक गणेश यज्ञ, दोपहर 12:36 पर भगवान गणेश और देवी शारदा का शारदेश मंगलम विवाह समारोह और रात 9 बजे अखिल भारतीय महिला मंडल की ओर से भजन का आयोजन किया गया है। जय गणेश। आज अक्षय तृतीया है। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणेश जी के मंदिर में आज आम महोत्सव है। गणेश जी को 11,000 आमों का महाभोग हाँ लगाया जा चुका है। अभी सराभिषेक प्रख्यात गायिका आशाताई खाडिलकर उनका गणेश जी के चरणों में समर्पित होगा और यहाँ आज एक अद्भुत सोहला यह है। आज गणेश जी का विवाह है देवी शारदा के साथ। दोपहर 12 बजे ये विवाह संपन्न होने वाला है और गणेश जी के मंदिर को पूरा फूलों से सजाया है। सभी गणेश भक्तों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस माध्यम से आप गणेश जी के महादर्शन का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय गणेश। नेहा पठारे मेरा नाम है। आज अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर बप्पा को आम की आरास की गई है। आज अक्षय तृतीया के दिन स्वराभिषेक भी चल रहा है। आज के दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है बप्पा के आशीर्वाद के साथ। राज्य में बीते कुछ दिनों से मस्जिद के ऊपर लगे हुए स्पीकर के ऊपर से राजकारण किया जा रहा है। इस वजह से दो समाज में दरार निर्माण होने की शक्यता है। उसी पार्श्वभूमि पर देश के हिंदू मुस्लिम सामाजिक ऐक्य को टिका कर रखने के लिए बुलढाणा में हिंदू बांधवों ने मुस्लिम बांधवों को स्पीकर वितरण कर सामाजिक एकता का दर्शन कराया है। बुलढाणा जिले में केवद में हिंदू बांधवों ने मुस्लिम बांधवों को रमजान ईद की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें स्पीकर भेंट किए।
राज ठाकरे इन्होंने हिंदू मस्जिद पर स्पीकर के संदर्भ में हिंदू बांधवों को किए हुए आह्वान को सभी हिंदू बांधवों का समर्थन और सहायता नहीं, यही इस घटना से सिद्ध होता है। इसी के साथ ऐसी अफवाहों को दोनों समाज के युवक शिकार ना बने, ऐसा आह्वान इस अवसर पर दोनों समाज की ओर से किया गया। भोंगे तो राजकारण शुरू है, म्हणजे जो विषय आमच्या जीवन मरणाशी निगडीत नाही असा विषय समोर आणण्याचा प्रयत्न राज ठाकरे यांच्या माध्यमातून सुरू आहे। खरं तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आहेत, पिकांचे भाव आहेत आणि कोरोना काळामध्ये उद्ध्वस्त झालेले रोजगार आहेत, अनेक समस्या आहेत। परंतु ठाकरे यांनी जो मुद्दा मांडलेला आहे हा दंगल घडवणार आहे। महाराष्ट्रामध्ये दोन जातीमध्ये तणाव निर्माण करण्याचं काम राज ठाकरे करतायत, आम्ही त्यांचा निषेध करतो। आणि या ठिकाणी हिंदू असतील का मुस्लिम असतील, त्यांना प्रत्येकानं आपापल्या धर्माच्या हिशोबानं आचरण करण्याची मुभा आहे। आणि असं असताना एखाद्याच्या मस्जिदवरला भोंगा काढायचा, उद्या मंदिरावरला त्यांनी जर भोंगा काढला तर या ठिकाणी वाद निर्माण होणार आहे। राज ठाकरेंना जर भोंगा काढायचा असेल तर त्यांनी स्वतःचा मुलगा आधी त्या भोंगा काढण्यासाठी एखाद्या मस्जिदवर पाठवला पाहिजे। आमच्या बहुजनांची मुलं भोंगे काढण्यासाठी पाठवायची, दंगली घडवायच्या आणि मुलांना त्यामध्ये अडकवायचं हे षडयंत्र चालू आहे। हे षडयंत्र हाणून पाडलं पाहिजे। आणि आज आम्ही केळवत ग्रामस्थांच्या वतीनं एक भोंगा मुस्लिम बांधवांना भेट देत आहोत। राज ठाकरे साहेब म्हणतात की मस्जिदीवरचे भोंगे काढा, केळवतमध्ये एकही मस्जिद नाही, तरी या सगळ्या मंडळीनं आम्हाला त्या भोंग्याचा सपोर्ट केलेला आहे। और जे भारतात ते दंगली घडवायचा कार्यक्रम करू लागले आणि त्यांचा काहीच विषय नाही, आणि केळवत वासियांचा आम्ही मुस्लिम समाज त्यांचं आभारी आहे की त्यांनी आम्हाला जे भोंग्याचं प्रोत्साहन केलेलं आहे की बा इथं एकही मस्जिद नाही या गावात, तरी यांनी आम्हाला एक नंबर गाईडन्स केलेलं आहे। आणि हे काही चुकीचं वक्तव्य भोंगे काढा भोंगे काढा, अरे राज ठाकरे साहेबांनी सांगायला पाहिजे जे बेरोजगार लोक आहे त्यांच्यावर काही त्यांचं नियंत्रण नाही, जे ज्यांना रोजी नाही काही नाही त्यांना काही नाही, भोंगे काढा म्हणतात आणि दंगली घडवत काम करू राहिले भारतात। दुसरं काही मुद्दा नाही त्यांचा, हिंदू मुस्लिममध्ये दंगली घडवत काम पाहिजे। इथं एक बी मस्जिद आहे या गावात, तरी आमचं प्रेम एकही काय आहे मिटत, एक बी मस्जिद असल्यामुळे बी आम्हाला भोंग्याचा यांनी सपोर्ट केलेला आहे, या केळवत नागरिकांचा मी आभारी आहे। मैं यहाँ पे राज ठाकरे का जाहिर निषेध करता हूँ। ये महाराष्ट्र जो है फुलेशाह अम्बेडकर के विचारधाराओं पे चलने वाला महाराष्ट्र है। यहाँ पे हम लोग जो है वो ग्रामीण विभाग से आते हैं, तो राज ठाकरे ने ये समझना चाहिए कि अब ये जो पुरोगामी चलवल है ये यहाँ ग्रामीण लोगों तक भी सर्वसामान्य लोगों तक भी पहुँच चुकी है। इसकी वजह से उनके भड़काऊ भाषण का यहाँ पे महाराष्ट्र में कोई असर नहीं होने वाला। कब तक कि 3.5% लोगों का हम 85% लोग सुनते रहेंगे? जो मूलभूत हमारे ज़रूरतें हैं उनके तरफ ख्याल कीजिए। महंगाई जो है, महंगाई के बारे में सोचिए, बेरोजगारी के बारे में सोचिए। यहाँ पे शिक्षा नहीं है, आरोग्य की सुविधा यहाँ पे नहीं है, और ये दोनों जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े यहाँ पे लगवाना चाहते हैं और महाराष्ट्र अशांत करना चाहते हैं। यहाँ पे सर्वसामान्य जो लोग है, बहुजन जो लोग है, इनके झांसे में नहीं आएंगे, ये इन्होंने समझना चाहिए। मैं यहाँ पे राज ठाकरे का जाहिर निषेध करता हूँ। राज ठाकरे ने परवाच्या औरंगाबादच्या सभेत जो जे वक्तव्य केलं की शिवाजी महाराजांची समाधी टिळकांनी वगैरे बांधली, हे सबसेल खोटं आहे आणि हे त्यालाही माहीत आहे, राज ठाकरेला पण माहिती आहे की हे खोटं आहे, हा इतिहास खोटा आहे। पण तो हेतुपुरस्सर तो बहुजन समाजामध्ये तो खोटा इतिहास पसरवण्याचं काम तो करतो आहे। त्याच्या बाबतीत त्यांनी जे काम केलं तेच ते काम तो आता पुन्हा करतो आहे। आणि राज ठाकरे हा खेळणं आहे, चावी ही RSSचं हे खेळणं आहे, चावी जितकी दिलं तितकं त्याचं तो पळणार आहे। दुसऱ्यांनी लिहून दिलेलं स्क्रिप्ट पुढे वाचायचं आणि ते बहुजन समाजापर्यंत पोचवायचं, हे तेवढं त्याचं काम आहे। शिवाजी महाराजांची समाधी शोधून काढली फुलेंनी, त्या फुलेंचा कार्यकाळ काय आणि टिळकांचा कार्यकाळ काय, कुठं हा संदर्भ लागतो का? हा जो खोटा इतिहास पसरवणं चालू आहे पिढी जात हजारो वर्षापासून, तो समाजाला आता तरी ओळखला पाहिजे। राज ठाकरेला काय सल्ला देणार? चुकीचा इतिहास आता पसरू नका। आता आम्ही प्रत्येक बहुजन समाज तो अज्ञान समाज राहिलेला नाही, आम्ही आता संज्ञान झालेलो आहोत। आम्हाला कळतं आमच्या बाबासाहेबांचे शाहू फुलेंचे उपकार आहेत, त्यांनी आम्हाला शहाणे केलेले आहे, आम्हाला ते सगळं कळतात। तुम्ही आता आम्हाला शहाणपणा शिकवणार। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश।
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नागपुर के तहसील पुलिस थाना गांधीबाग परिसर में वाहन चोरी की घटना सामने आई है। 25 मार्च को 40 वर्षीय हरीश नारायण घोरनाड़े, इनकी टू व्हीलर होंडा एक्टिवा चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने गांधीबाग परिसर के पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर काम करते हुए पुलिस के जांच विभाग ने गोपनीय साक्षीदारों की सहायता से आरोपी 25 वर्षीय ऋषभ श्याम असोपा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खंडवानी कॉम्प्लेक्स वाठोड़ा का रहने वाला है। इस घटना की जांच करने के लिए पुलिस जांच विभाग के अधिकारी व कर्मचारी PSI भवाड़, PSI शनिवारे, ASI ठाकुर, ASI किरार और उनका संपूर्ण पथक शामिल था। आरोपी के पास 2 एक्टिवा और 1 जुपिटर, ऐसी 3 गाड़ियां जब्त की गई। आरोपी बबली नाम से जाना जाता है। बरडी और धंतोली थाना क्षेत्र में आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया गया है। अपराधी को IPC के धारा 225/22/379 के तहत गुना दाखिल किया गया था। पुलिस स्टेशन तहसील, अपराध क्रमांक 255/22/379 चा गुना दाखिल केलेला होता। हरीश नारायण गोरनाडे 40 वर्ष, यांची टू व्हीलर होंडा ऍक्टिवा गाडी ही चोरीला गेलेली होती, तारीख 25/3/22 रोजी। त्यामध्ये आमच्या पोलीस स्टेशनचे तपास पथकाचे कर्मचारी, अधिकारी आणि कर्मचारी, ASI भवाळ, ASI शनिवारे, ASI ठाकूर, ASI किरार आणि त्यांच्या संपूर्ण पथकाने तपास करून आरोपीचं नाव आहे ऋषभ श्याम असोपा, वय 25 वर्ष, राहणार खंडवानी कॉम्प्लेक्स स्वामीनारायण मंदिर मागे वाठोडा, यास गोपनीय साक्षीदारांच्या बातमीदारांच्या माध्यमातून ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्याच्याकडून या गुन्ह्यात चोरीस गेलेली वाहन आणि त्याचबरोबर 1 ज्युपिटर गाडी आणि 1 आणखीन ग्रे कलरची ॲक्टिवा गाडी, असे 3 वाहनं याच्याकडनं जप्त करण्यात आलेली आहे। यापैकी आमच्याकडे दाखल असलेला अपराध क्रमांक 37/22/379 हा अपराध सुद्धा उघडकीस आलेला आहे। काय कसं चोरी करायचा, यापूर्वीचा रिकॉर्ड आहे का? आरोपी बबली नावाने ओळखला जातो आणि त्याचं यापूर्वी पण धंतोली आणि बर्डी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमधनं वाहन चोरीचं रेकॉर्ड आहे। हा आरोपी हा दिसायला अगदी मध्यमवर्गीय आहे आणि व्यवस्थित अपिअरन्स करून, टी शर्ट पॅन्ट वगैरे करून हा फिरायला एकटाच निघायचा आणि मास्टर की च्या सहाय्याने हा ॲक्टिवा गाड्यांची चोरी करत होता। आज नागपूर के मोमिनपुरा स्थित जामा मस्जिद में पुलिस विभाग द्वारा फूल देकर लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी गई। लोगों में सौहार्द और एकता बढ़ाने के लिए पुलिस द्वारा यह पहल की गई।
नागपुर के सीपी अमितेश कुमार जी ने स्वयं मुस्लिम बांधवों और बच्चों में गुलाब के फूल बांटकर ईद की शुभकामनाएं दी। लोगों में आत्मीयता बढ़े और सब समानता से रहे, यह इस पहल का उद्देश्य है। नागपुर जिले में पुराने पुलिस स्टेशन परिसर में हैदरी चौक में आज दोपहर 12 बजे के दौरान एक ट्रक के पिछले पहिए में एक्टिवा गाड़ी आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति 60 वर्षीय रामदास वनकर और उनके 3 वर्षीय पोते त्रिशंत राकेश वनकर की जगह पर मृत्यु हो गई। मृतक की 45 वर्षीय बेटी दामिनी राकेश वनकर गंभीर जख्मी है। यह हुडकेश्वर नागपुर पिपला फाटा गजानन नगर के रहवासी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक वृद्ध व्यक्ति मोतिया बिंदु के ऑपरेशन करने हेतु प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे थे, तो रास्ते में यह दुखद घटना घटी। हादसा होते ही परिसर में तनाव का वातावरण होने लगा। भीड़ ने ट्रक के कांच फोड़कर ट्रक चालक की पिटाई की। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिस्थिति को नियंत्रण में किया। एक कुटुंब होता एक्टिवा गाड़ीवर, त्याच्यामध्ये महिला होत्या दामिनी राकेश वनकर राहणार पिपळा फाटा हुडकेश्वर, आणि त्यांच्यासोबत त्यांचा एक मुलगा होता 3 वर्षाचा त्रिशांत राकेश बनकर आणि एक रामदास परशुराम बनकर 60 वर्षाची समस्या। तिघंजण ॲक्टिवा गाडीवर, नागपाल डॉक्टर आहे त्यांच्याकडे, काही मोतीबंदी होती त्यांची ट्रीटमेंट सुरू होती वाटते, त्याच्याकरता आले होते आणि हे परत हैदरीकडे जाताना त्यांना पाठीमागून एका टिप्परनी धडक मारली आहे, त्याच्यामुळे तो अपघात झाला आहे। त्याच्यामध्ये हा त्रिशांत आणि ते 60 वर्षाची इसम यांची डेथ झाली आहे आणि टिप्पर आणि टिप्पर चालक हे दोघंही आमच्या ताब्यात आहे। शांतता आहे, कायदा सुव्यवस्थेचा काही प्रश्न नाही आहे, पुढील तपास सुरू आहे। लोकल में महिलाओं के डब्बे में चढ़ने वाली महिलाओं को धक्के मारकर व्यवधान उत्पन्न कर उनके शरीर से सोने के जेवर चुराने वाले 2 आरोपियों को कल्याण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सचिन गायकवाड़ और रवि इस्माइल जाधव नामक इन 2 आरोपियों के नाम पहले से पुलिस रिकॉर्ड में शामिल थे। 1 मई को गुजरात में रहने वाली महिला अंबरनाथ से करजत और अपने पति और बेटी के साथ जा रही थी। 1:45 पर लोकल में महिलाओं के लिए आरक्षित डब्बे में अपने बेटी के साथ चढ़ते समय भीड़ का फायदा उठाकर रवि ने उनके सामने खड़े रहकर चढ़ने में व्यवधान उत्पन्न करके धक्के मारना शुरू किया। इसी का फायदा उठाते हुए सचिन ने कटर की सहायता से महिला के हाथ की 1,00,000 रुपयों के सोने के कंगन काटना शुरू कर दिया। उसी समय महिला की बेटी ने उसे कंगन काटते देख लिया और डर की वजह से वह चिल्लाने लगी, लेकिन धक्के मारकर दोनों आरोपी वहां से भाग निकले। यह घटना CCTV में कैद हो गई। इस वजह से रेलवे पुलिस विभाग ने चोरों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपियों के नाम पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड्स में शामिल है, ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक अर्चना दूसा ने इन्होंने दी। इन दोनों के नाम पर 4-4 अपराध है, पुलिस ने चोरी का माल जब्त कर लिया है। काल दिनांक 1 मई 2022 रोजी यातील फिर्यादी महिला या अंबरनाथ स्टेशन वरून कर्जत लोकल मध्ये प्रवास करीत असताना यातील नमूद 2 आरोपी इस्मांनी त्यांना चढण्यासाठी अडथळा निर्माण करून त्यांच्या हातातील कंगण हे कटरच्या सहाय्याने कापलं। सदर वेळी फिर्यादीच्या मुलीचं लक्ष गेलं, त्यावेळी तिने आरडाओरडा केला असताना ड्युटीवरील GRP व RPF कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने आरोपीला पकडण्यात आलेले। आरोपींचं नाव आहे सचिन अशोक गायकवाड वय वर्ष 45 राहणार पुणे आणि रवी इस्माईल जाधव वय वर्ष 30 राहणार अंबरनाथ जिल्हा ठाणे। दोघांवरही पुणे आणि मुंबईच्या वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये वेगवेगळे चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत, जबरी चोरीचे। कशा प्रकारे अडथळा निर्माण करायचे? सदर हे दोन्ही आरोपी तिसम फिर्यादीला ट्रेनमध्ये चढण्यासाठी मागे पुढे असं हजर राहून चढण्यासाठी अडथळा निर्माण करायचे आणि त्यातून पुढील चोरीचं कृत्य करत होते। आज संपूर्ण देश में मस्जिदों के ऊपर लगे हुए स्पीकर हनुमान चालीसा के नाम पर समाज में दरार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों को वाशिम्बे में रहने वाले पापा भाई शेख, इनके कार्य से हिंदू मुस्लिम किस प्रकार एक साथ खुशी से रह सकते हैं, यह उनके कार्य से दर्शाकर समाज को मानवता का पाठ पढ़ाया। ग्राम दैवत भीमा नदी के तट पर भैरवनाथ महाराज का मंदिर है। हर वर्ष हनुमान जयंती के अवसर पर गांव में यात्रा का आयोजन होता है। हर जाति धर्म के लोग संपूर्ण भक्तिभाव से शामिल होते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि हिंदू मंदिर में पापा भाई चांद भाई शेख ये मुस्लिम भक्त होकर पिछले 10 सालों से भैरवनाथ महाराज की सेवा में कार्यरत है। सुबह जल्दी उठकर मंदिर के संपूर्ण परिसर को साफ करने का काम वह स्वयं करते हैं। पापा भाई शेख इन्होंने खुद आगे आकर चंदा एकत्रित कर भैरवनाथ देवस्थान समिति के सहकार्य से मंदिर परिसर में भव्य प्रवेश द्वार और भक्तों के लिए पानी की टंकी का निर्माण किया। मंदिर परिसर की खुली जगह में कुल 600 वृक्ष लगाए गए हैं। पौधों को पानी डालना और उनके ख्याल रखने का काम पापा भाई करते हैं।
पापा भाई इनकी निस्वार्थ सेवा ने धार्मिक सहिष्णुता का आदर्श दुनिया के सामने रखा गया है। इनकी इस सेवा से सर्व समाज माध्यम से इनकी तारीफ की जा रही है। आता माझं नाव आहे पापा भाई चालभाई शेख वाशिम बघावे कर्मा तालुका जिल्हा सोलापूर। 10 वर्षापासून मी इथं सेवा करतो आहे देवाची। आता आपण पाहतोय तुम्ही 10 वर्षापासून गेले सेवा करताय, याच्यामध्ये नित्यनियमाने काय काय सेवा करता म्हणजे इथं आल्यानंतर? इथं आल्यानंतर दर्शन पाया आंघोळ करणे, पाणी घालणे, झाडून झुडून काढणे, झाडाला पाणी, झाडे चिचचे सूचे हे जे पाईपलाईन केलेली योजनेला सगळे बघायचं, झाडाला पाणी आहे का आहे का, आरती करायची नंतर जायचं घरी। आता आपण बघतोय की महाराष्ट्रामध्ये बोंगी असतील काय असतील याच्यावरून आपल्याला राजकारण तर आपल्याला दिसतंय, परंतु वाशिम गावामध्ये अशी पा काय आहे का बोंगी? नाही 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 तसलं काय सुद्धा नाही, सगळे मुस्लिम मराठी सगळं सगळे एक आहे आमच्यात, आमच्यात काय तक्रार नाही तसली कशी। मग आता तुम्ही ही पूजा करताय हे करताय याच्यामध्ये तुम्हाला काय वाटतंय नेमकं, याच्यामागचा उद्देश काय तुमचा? ह्याच्यामागचा उद्देश आता ते माझी मला माहिती आहे काय आहे तिथला राम रामी एकच आहे काय त्याच्याबद्दल काय नाही, पण माझी अंतकरणापासून सेवा चालू आहे रोजची। मग हे साधारण किती वाजता तुमच्या सेवेला सुरुवात होते व किती वेळ? 4 पाठ 4 पाठ नेते नेम 4 येणं सेवा करणं हे रोजचं चालू खडं नाही। याच्यामध्ये तुम्ही आता यात्रा वगैरे असतात त्याच्यामध्ये देखील आता पुजारी म्हणून तुम्हीच काम पाहता का? हां पुजारी आहेत दुसरं बरं का, पण इथलं मी सगळं बघतो इथलं झाडा पाण्याचं हे मंदिराचं झाडून मुस्लिम कुटुंब किती आहे साधारण? 85 असा काय पूर्वीचे तुमचे वंशज वगैरे काय कधी देवस्थान जे आजोबा आमचे आजोबा करीत होते बर काय सांगा पाणी गेलं मंदिर गेलं का तिथं आजोबा करीत होता, आम्हाला माहिती नव्हतं, आई वडिलांनी सांगितलं नाही की तुमचं आजोबा करीत होत, मग आम्हाला कळलं आम्ही तिथं आलो मग सेवा करायला लागला। आता याच्यामध्ये नित्यनियमाने सेवा केली जाते? हां नित्यनियमाने, जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत मी करणार, माझ्या पाठीमाग कुणी करीन नाही तर ना करीन। हां याचा आता हे तुम्ही पूजा करत असताना काय याला तुम्हाला कोणाचा विरोध वगैरे काय? नाही भरपूर शिव्या गाळी काय कोण पाय काढेल म्हणतो कोण काय म्हणतो काय म्हणते ना, पण मी कशा ध्यान देत नाही काय ना आपल्या आपली सेवा चालू। पापाबाई शेख यांनी जे काही मंदिर परिसरामध्ये वृक्षारोपण केलेले आहे, भक्तांना पिण्यासाठी पाण्याची टाकी बांधलेली आहे, नंतरच्या काळाचे काही मंदिरासाठी प्रवेशद्वार बांधलेले आहे, ते सर्व मंदिर समितीच्या सहकार्यातून गावकऱ्यांच्या सहकार्यातून त्यांनी केलेले आहे। एक मुस्लिम व्यक्ती असतानाही हिंदू मंदिरामध्ये एवढे काम त्यांनी केलेले आहे, ते एक जगासमोर धार्मिक सहिष्णुतेचा आदर्श निर्माण करणारं काम आहे। त्यांच्यामुळं संपूर्ण समाजामध्ये आज जे काही आपण बघत आहे देशामध्ये राज्यामध्ये जे वातावरण चाललेलं आहे की दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करायची, दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करून एक राजकीय पोळी भाजण्याचं काम राजकीय नेते मग एकाने सगळेच तेच काम करत आहेत, त्यांना एक उत्तम प्रकारची चपराक आहे। आज वाशिम गावामध्ये हनुमान जयंतीला यात्रा असते, या यात्रेमध्ये गावातील सर्व कुटुंब जे मुस्लिम कुटुंब आहेत सर्व कुटुंब सक्रिय सहभाग नोंदवतात, मोठ्या भक्तिभावाने ते सहभाग नोंदवतात, आणि ईद निमित्तही सर्व मुस्लिम कुटुंबाकडून सर्व गावकऱ्यांना रमजान ईद निमित्त दावत देण्यात येते, त्यामुळे एक धार्मिक सलोखाचा प्रज होतो। गाव पातळी असू द्या किंवा संपूर्ण तालुक्यामध्ये बघा तुम्ही, मुसलमान आणि हिंदू हा वाद कधीच नाही नव्हताही, परंतु हा वाद फक्त आपण बघतो मीडियाच्या माध्यमाद्वारे सोशल मीडियाच्या माध्यमाद्वारे आपल्याला पाहायला मिळतो, फक्त हा राजकीय मताची पोळी भाजण्यासाठी या दोन समाजामध्ये वाद निर्माण केला जातो, परंतु आज बापाबाई शेख यांनी जे काम केले आहे ते खूपच अतुलनीय आहे, कौतुकास्पद आहे, आणि असंच लोक हा भविष्यामध्ये पुढच्या काळामध्ये राखला जावा। तो आज के इस प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, नमस्कार।